इनको मैम के पास तो जादू की छड़ी है, बताती नहीं है मैम। वो शरीर के साथ साथ मन भी मोह लेती है। क्या बात है, क्या बात है, ये तो पूजा तुम्हारा समर्पण है ये। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए दोनों पैरों में गैप। I'm telling you, मतलब वेट तो भूल जाओ, सोचो ही नहीं। जो दिमाग की प्रोग्रामिंग चेंज होती है ना, आप एक्स्ट्रा सोचना बंद कर देते हो, एक्स्ट्रा सोचना बंद कर देते हो। और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार क्या दुनिया बोल रही है क्या नहीं बोल रही। और अगर मैम, मेरे पास रखी है वो पिछले 2 साल वाली वीडियो, जब मैं मैम के पास गई थी ना टेंशन लेके, मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत ओवर थिंक करती हूँ, ये था। और आज के डेट में लेट इट बी इंजॉय एवरी मोमेंट, इंजॉय करते हैं वो, और हुए नहीं हुए सेशन बस कर रहे हैं। और हंसते हंसते में ही 2 किलो कम किया, इतने सारे इंच लॉस किए, कोई क्या बात है, भी, अरे अभी से शुरू हो गए। हाँ अभी से शुरू हो गए, क्यों नहीं होंगे अभी से। तो बिल्कुल। ये वेट कम किया आपके पास आके 24 किलो, आप भी पहचान नहीं पाए थे बिफोर आफ्टर वाली फोटो देख के। और बिल्कुल बिल्कुल। बेबी होने के बाद, डिलीवरी करने के बाद, अभी 3 मंथ्स ही हुए थे, ज्वाइन कर लिया मैम को वापस। बहुत मुश्किल था फर्स्ट मंथ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन बहुत मुश्किल था, फर्स्ट मंथ बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अभी सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ है, और आज मैम बता ही रही थी कि फ्लेक्सिबिलिटी में खुद ही कितना चेंजेस है। अंतस योग में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हजारों महिलाएं अंतस योग की छोटे छोटे डाइट टिप्स और एक्सरसाइज से जुड़कर स्वास्थ्य को प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार की रोजाना एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, साथ ही साथ मांसपेशी और हड्डियों की मजबूती के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आर्म स्ट्रेच के साथ बट किक्स, इस प्रकार की एक्सरसाइज आपके हार्ट की हेल्थ को भी सुधारती है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। योगा की स्ट्रेचिंग के साथ साथ कुछ इस प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इन सभी एक्सरसाइज को डेली रूटीन में करना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस एक्सरसाइज आपकी डेली लाइफ को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है। इन सभी एक्सरसाइज को करते समय हो सकता है कि आपको भूख ज्यादा लगे, लेकिन कोशिश करें अपनी डाइट में फाइबर को जरूर शामिल करें। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे 40 50, ये सिंपल एक्सरसाइज जिसमें आपको बैक से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इजीली कर पाएंगे। आर्म्स रेज स्ट्रेच, धीरे धीरे गहरा सांस भरते हुए आर्म्स को ऊपर की तरफ, फिर साइड्स में, फिर डाउन करते हुए, कम से कम एक ही एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट तक जरूर करें, फिर देखिए इसका 7 डेज में रिजल्ट। मैम आपको बस वो पता ही है ना, हम वो कितना अटैचमेंट नहीं होता तो प्रेगनेंसी में भी आपको, वहां डिलीवरी हो रही है आपको फोटो भेज रही हूँ, मैम मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। देखो वेरी गुड, क्या बात है। मैम आपके पास छड़ी तो तुम्हारा है। तुम्हारा फर्स्ट फीडबैक भी मेरे पास है जब तुम कितने स्ट्रेस में थे। वही मैं बोल रही, मेरे पास वो रखा हुआ है आज तक। और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मम्मी भी आती है लाइन पे, खुद बोलती है मम्मी तूने जितना मेडिटेशन और मैम के साथ रही है ना, बच्चा भी वैसे ही संत लेकर आई है, शांत। साथ में इतना प्यारा लग रहा था, क्यूटी पाई, बिल्कुल लेटा लेटा देख रही हूँ क्या हो रहा है ये। उसको मैम, उसको बहुत आराम से सत्संग सुनाओ, बढ़िया से सुनता है कि क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करता है। अब तो बड़ा हो रहा है, थोड़ा देखता है पूरा अच्छे से। हाँ मनिंदर जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए कैसा फील कर रहे हो। 30 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरा वेट 93 था, अभी 90.4 हो गया क्या बात है, कितने है। दिन में हुआ फिफ्टीन ये। हाँ जी, मैंने 31 को शुरू किया था। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आपका, और नी पेन लिखा हुआ है आपकी हिस्ट्री में ये। नी पेन है पर थोड़ा कम है पहले से, हाँ और स्वेलिंग है।
यहाँ पे ना नी के जो नीचा हिस्सा होता है ये वाला, उसमें और एंकल में है स्वेलिंग। एक्टिव फील कर रहे हो? एक्टिव बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत पॉजिटिव, मतलब ऐसे लगता है जैसे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया मतलब लाइफ में। 11 बजे वाले सेशन में आते हैं? हाँ जी।